नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लाइव ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो चलिए, मैंने बैंक निफ्टी में एक लॉट के साथ काम किया है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई हुई है। आप देख सकते हो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो 21757 मतलब 21757 के आसपास एक लॉट हमने बाय किया हुआ है। और MTM में आप प्रॉफिट देख सकते हो 200 से 300 के बीच में चल रहा है अभी। तो ये ऊपर नीचे तो होता रहता है। अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है वो 21736 740 735। ये बहुत ही फास्ट ऊपर नीचे होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है क्योंकि इसमें ड्राई वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए निफ्टी देखते हैं, 10,300 के आसपास है। अभी MTM में लगभग 100 रुपये के आसपास लॉस दिखा रहा है। आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो उसके बारे में जानकारी के लिए, मैं आपको वहाँ पे जानकारी दूंगा उसके बारे में। तो MTM में अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है हमारा कुछ 21750, लगभग वही पे फ्लक्चुएट कर रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। अभी 300 के आसपास लॉस दिखा रहा है हमारा। तो ट्रेडिंग तो एक्चुअली यही होती है दोस्तों कि आपको सही समय और सही पॉइंट पे एंट्री लेनी है। देखते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है 21730-40 के आसपास, तो इसे पोजीशन में चलते हैं। अभी 40 दिखा रहा था, 200 दिखा रहा है अभी से। तो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि खाली डीमैट अकाउंट और पैसा होने से कुछ नहीं होता, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरे नॉलेज होने के बाद ही आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभी हमारे MTM थोड़ा सा पॉजिटिव में दिखा रहा है, प्लस में दिखा रहा है 200 के आसपास कुछ प्रॉफिट, 200-150 के आसपास, उसी के बीच में ऊपर नीचे होता रहा। अभी हाई लगाया 360 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आप उसमें और एक लॉट ऐड करके, जैसे कि नॉलेज और रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता रहेगा, आप काम कर सकते हो। इसमें कुछ ड्राई वॉल्यूम नहीं रहता, इंडेक्स में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहता है। मतलब बायर और सेलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हर एक सेकंड पे आपको बायर और सेलर मिलेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट के बाद आपको सेलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए MTM में देखते हैं, कुछ 500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यही होता है ट्रेडर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही होता है, एंट्री के बाद आपका अकाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, 200 से 300 रुपये प्लस माइनस दिखाता रहेगा। तो माइंडसेट ठीक होना ज़रूरी है। जब भी आप अपने माइंडसेट पे काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता रहेगा दोस्तों। तो अभी 40 रुपये लॉस दिखा रहा है, 1 रुपया भी हो गया लॉस, 2 रुपये, 60 रुपये। तो ये बहुत फास्ट ऊपर नीचे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लाइव ट्रेडिंग क्या होती है, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है ये सब प्रेशर, ट्रेडर लोग कैसे झेल भग सकते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उस प्रेशर को, ऊपर नीचे होता है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। यह सब चीज़ें मैं अपने चैनल में बताता रहूँगा, उसके बारे में सिखाता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट आते रहेंगे ऐसे ही हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एक लॉट के साथ आप जब भी काम करोगे तो आपका जो भी टारगेट रहेगा आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशो के हिसाब से रहेगा। तो जब भी मैं एक लॉट के साथ काम करता हूँ तो मोस्टली 100 पॉइंट के लिए काम करता हूँ, और प्राइस एक्शन अच्छा रहा, ठीक रहा, तो मैं 150 या 200 पॉइंट के लिए भी टारगेट अपना रखता हूँ, सेट करके रखता हूँ। तो फिर से MTM के पास चलते हैं, 400 रुपये दिखा रहा है, कुछ 440 रुपये दिखा रहा है। तो दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है, खाली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कहाँ पे मिलेगा, नॉलेज आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब चैनल पे मिल सकता है, लेकिन मेरे चैनल में आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जो कोई नहीं दिखाता है। हर एक बंदा आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा, आज मैंने इतना कमाया उतना कमाया। लाइव ट्रेडिंग बहुत कम होती है दोस्तों, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि अपना मेन जो नॉलेज सोर्स है वो दिखाए, कोई नहीं दिखाता दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होता है, आपका जो फियर है मैं पूरा वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मन में जो डर रहता है कि पैसा जाता है ट्रेडिंग में, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर नॉलेज होगा तो कुछ पैसा नहीं जाएगा कहीं पर आपका, तो वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी फिर से देख रहे हैं हम
₹80 माइनस हो चुका है हमारा अकाउंट, फिर से 70-50 के आसपास ऊपर नीचे होता रहा। देख पा रहे हो जहाँ से एंट्री लिया वहाँ से कुछ 300-400 रुपये ही माइनस दिखा रहा था, उसके बाद उसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपका एंट्री पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि सही जगह पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, तभी आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो ये सब जानकारी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। आप देख पा रहे हो कि लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हम अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। तो जो भी अपडेट है आप देखते रहोगे। तो चलिए एक बार निफ्टी देखते हैं। निफ्टी वही है, बैंक निफ्टी भी वही है। तो फिर से हम पोजीशन के पास चलेंगे। अपना पोजीशन 21 रुपये प्लस में दिखा रहा है। तो ये ब्लूमबर्ग है और ये यहाँ पे आपको डाउ फ्यूचर्स मतलब अमेरिका का जो इंडेक्स है वो दिखता रहेगा। इसका इफेक्ट हमारे इंडेक्स पे भी होता है। अभी ये +29 पॉइंट पे चल रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी वही है दोस्तों, 755 के आसपास, 21,755। अभी भी इसने हाई लगाया था 21,772 का। निफ्टी वही है अभी। तो दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मुझे यहाँ से लगता है कि बहुत ऊपर जाएगा, 21,900 के आसपास जाएगा। तो आसानी से यहाँ से और 100-150 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अभी 100 पॉइंट के लिए मैं काम करूँगा। 150 मिलेगा तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ से और 150-200 पॉइंट की मूवमेंट होगी, ज़रूर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी 38 रुपीज़ माइनस दिखा रहा है। अभी बैंक निफ्टी 21,750, मतलब जहाँ से एंट्री हुई है हमारी वही की उसी के आसपास ऊपर नीचे होता रहा है। बायर भी अच्छे है, वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा है। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी भी वही है दोस्तों, इसमें भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बायर्स भी बहुत अच्छा है। तो फिर से एक बार हम पोजीशन में जाएंगे। तो अभी 30 रुपया, 140, 200 रुपये के बीच में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। हम 2000 देखिए, हम अभी ट्रेड में दिखाते हैं कि 10:02 पे ट्रेड लिया था और 10:12 हो चुके, मतलब लगभग 10 मिनट से हम ट्रेड में बने हुए हैं दोस्तों। तो ये होना चाहिए आपके पास, पेशेंस होना चाहिए। आगे चल के हम हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करेंगे, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टारगेट बोला जाता है उसको। तो जैसे भी वो ज़रूरत लगेगी मैं करूँगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बताऊँगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। बैंक निफ्टी देखते हैं, ऊपर जा रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये 21,900 के आसपास जाएगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हमारा अकाउंट थोड़ा सा और पॉजिटिव हो चुका है, प्लस में जा चुका है, 400-500 दिखा रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाएगा दोस्तों, मैंने बताया था आपको, बार बार बता रहा हूँ मैं, 21,900 और उससे भी ऊपर जा सकता है, 22,000 तक भी जा सकता है। तो चलिए पोजिशन में जाते हैं। अभी 200 रुपये दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग इज़ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी ट्रेडिंग। आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के अपडेट्स चेक कीजिए। और देखिए अभी फिर से 300 रुपये और 200 रुपये के बीच में हाई लगा रहा है। अभी 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब जहाँ से एंट्री हुई वहाँ से लगभग हम प्लस में दिखा रहा है, ग्रीन में दिखा रहा है MTM हमारा। और MTM बैंक निफ्टी वही है। अभी यहाँ से और ऊपर मूवमेंट होगी, मैं 200-200 पॉइंट की और ही मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अभी मैं 150-200 पॉइंट के लिए काम करूँगा। जैसे ही 100 पॉइंट मिलेंगे मैं देखता हूँ क्या करना है आगे, स्टॉप लॉस मैं ड्रिल कर सकता हूँ या टारगेट भी ड्रिल कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो देखते हैं बैंक निफ्टी, मैंने बताया था आपको यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए अभी 21,780 का हाई लगा है इसने। तो देखते चलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप टारगेट अपना मॉडिफाई कर लेता हूँ। पहले था 21,907, देख पा रहे हो अभी, देखिए 21,907 मैं बता था आपको। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अभी इसको मैं कर रहा हूँ 21,866 मॉडिफाई किया मैंने। तो देखिए मॉडिफाई हो चुका है और टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा दोस्तों, विद इन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत वॉल्यूम रहता है, मैंने बताया था। और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों, मेरे को लगता है हो जाएगा, शायद हो चुका है, अभी भी चल रहा है। अभी 500-600 रुपये दिखा रहा है प्रॉफिट। देखिए 21,700 टारगेट हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ से। देखिए अभी हम 22,000 का हाई लगा रहा है, अभी देखिए 21,816 का हाई लगाया है। तो देखते एक बार बैंक निफ्टी, देखिए हमारा टारगेट अचीव हो रहा है दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया था 1,600-1,700 प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी ये देखते हैं एक बार। देखिए 1,500 के आसपास चल रहा है और से फिर से एक बार मैं अपना जो भी टारगेट है मॉडिफाई करता हूँ, 21,850 कर रहा हूँ दोस्तों।
और 16 पॉइंट माइनस कर रहा हूँ मेरे टारगेट से। देखते हैं अच्छे हो चुका है टारगेट। देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको पोजीशन एक बार। और आज हमने प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों, देखिए 1860 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।